अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डुप्लीकेट निकले और 3 क्वाड्रुप्लीकेट यानी एक आदमी को 4 वोटर ID मिले और वैसे ही हम जो PS3 में करे उसमें हमको 19 मिले और PS2 में पोलिंग बूथ 2 में जो करे हमको 14 मिले। तो ऐसा हर जगह डुप्लीकेट्स, ट्रिप्लीकेट्स और क्वाड्रुप्लीकेट्स मिल रही, क्या इसको प्रीफर ऑथेंटिकेट रोल कहते हैं? क्या इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस ये नहीं बोलते कि प्यूरिफाइड और ऑथेंटिकेटेड वोटर लिस्ट पे ही हमको जाना चाहिए? और ये कितना बड़ा फ्रॉड है भाई ये कि आप वोटर लिस्ट में ये छुपा के रख रहे हो। क्यों लोगों को अंधेरे में ऐसा रख रहे हो? क्यों ये गफलत कर रहे हो? आपको साफ है इलेक्टोरल लिस्ट पे आपको इलेक्शंस जाने में आपको क्या डर है? क्या ऐसा आपको डर है? आप आवाम के बीच में अच्छे काम करते बोल के बोल रहे ना, TRS भी बोल रही, MIM भी बोल रही, सब बोल रहे, तो आपको ये लिस्ट से क्या है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री में दिया गया? मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे पैसे देके कल ये दिए मेरे को तो मैं इस पे काम करी, ये बड़े बड़े पार्टीज को फ्री में दिया गया और इनको कभी का मिल चुका, तो क्या कर रहे थे वो लोग ये लिस्ट को लेके? क्या वो लोग भी ये लिस्ट के साथ खेलना चाह रहे जो कि अभी पावर में नहीं है, यानी कांग्रेस भी है और उसमें TDP है, उसमें TJS है और उसमें BJP है, BJP यूनियन गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको क्या कर रहे भाई? व्हाट आर यू डूइंग? एक छोटे डुप्लीकेट जो स्कूल के बच्चों को दिखता वो हम लोगों को, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को नहीं दिख रहा भाई। आई मीन डेमोक्रेसी की ये जो जड़ है इलेक्शन प्रोसेस को, इसको आप और कितना अंधेरे में डालेंगे और कितना इसको पीछे पीछे रिग्रेसिव करते जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ से फिर से, मैं ऑलरेडी 2 रिप्रेजेंटेशन मेरे जा चुके हैं हाईकोर्ट को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को और GHMC इलेक्शन कमिश्नर को, कि आसिफ नगर वार्ड की, वार्ड नंबर 72 की इलेक्शन को फौरन पोस्टपोन किया जाए और उसको डी नोवो प्रोसेस यानी फ्रेश इलेक्ट वोटर लिस्ट पूरी पोलिंग बूथ से निकाला जाए और इमीडिएटली वापस वहां पर इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। जो वोटर इलेक्शंस की बुनियाद जो है वो तो वोटर लिस्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से प्यूरिफाइड और ऑथेंटिक होना चाहिए। तो अब हम जब हम GHMC इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, तेलंगाना के आने के बाद 2014 के बाद 2018 में भी जो MLA इलेक्शंस हुए, 2019 में जो MP इलेक्शंस हुए और 2020 में भी इलेक्शन वोटर लिस्ट की क्या बुरी हाल है, हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट के होने के ऊपर हम थ्री तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ खान AIMIM इनकलाब पार्टी की जानिब से ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज़ बाबा नगर, ख़ास तौर पे कंचन बाग डिवीज़न की पब्लिक को आगाह करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोकस वोट पड़ते हैं और हमारी माँ बहना 500-500 रुपये लेकर बोकस वोट डालते हैं, उसमें मेरे चंद भाइयाँ भी है, उन लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ अगर वोट डालने वाली गैदरिंग और लोग कहाँ जमा होते हैं वो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, वोट डलाने वाले भी कहाँ जमा करके रखते हैं मेरे को अच्छी तरीके से उनके नामा भी मालूम है, उनके घर के एड्रेस भी मालूम है, हर वो चीज़ मालूम है। मैं एक पेटिशन तैयार कर कर मैं वकील साहब को दे चुका हूँ, जो हमारे पार्टी के कायद है और ये वकीलों की पार्टी है। आप लोगों को अगर जेल को जाना है, अगर आपको बोकस वोट करके जेल को जाना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। फिर ये नहीं कहना आप बस्ती के हैं आसिफ भाई, फिर बस्ती में ऐसा क्यों काम करें, इस वास्ते मैं होशियार कर दे रहा हूँ। सिर्फ मेरी नज़र अब जो बोकस वोट डालने वालों के ऊपर रहेंगी, ईमानदारी से हक का वोट डालो, किसी को भी डालो, मेरे को इतराज़ नहीं, लेकिन ईमानदारी से हक का वोट डालो। अगर बोकसिंग करेंगे तो 100% जेल को भेजा दूंगा। जो
इनको जमा करा सो वाले लीडर को भी भेजा दूंगा और जो खवातीन रहन दो या जेंट्स रहन दो उनको भी जेल को भेजा दूंगा अगर बोकस वोट पैसे लेके डालेंगे तो। ये बात अच्छी तरीके से याद रख लो, फिर कल के दिन मुझे नहीं कहना, ओपन टू चैलेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इनके बीच में रहकर सालों कोर्ट के चकरा खा चुका हूँ। केसा मेरे ऊपर भी हुए थे जलसों के बारे में, लेकिन ये आप लोगों को चंद पैसे देके इत्मीनान दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे, लेकिन इनकी बातों में मत जाइए। आपका हक का वोट है, एक कोर्ट डालिए, घर को जाइए, बोकस वोट डालेंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा।